नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फ्यूचर वैकेंसी में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इंडियन नेवी में जो है SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन बैरियर पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली सभी वैकेंसी और एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। तो यहाँ SSC ऑफिसर, ठीक है, नेवी SSC ऑफिसर्स बैरियर्स एंट्री जनवरी 2024 बैच के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या इसकी एज लिमिट होने वाली है, कब से ये फॉर्म पड़ने वाला है और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को है अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, मेल फीमेल बोथ एलिजिबल हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये वीडियो अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर बता दूँ, उसके यदि ऑनलाइन फॉर्म की बात की जाए तो ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्म जो है 29/4/2023 यानी कि 29 अप्रैल 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर 14/5/2023 यानी कि 14 मई 2023 यहाँ पर इसकी जो है लास्ट डेट होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके एप्लीकेशन फ़ी को लेकर, तो किस कैटेगरी से यहाँ पर कितनी फ़ी लगने वाली है। तो यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जनरल OBC EWS SC ST ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है फ़ी चार्ज है वो यहाँ पर 0 रुपये का रखा गया है, यानी कि किसी प्रकार से किसी भी कैटेगरी से कोई चार्ज नहीं रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, यहाँ पर कितने पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर यदि नंबर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 227 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं, पोस्ट नेम और कौन किस ब्रांच में और किसके लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, जिसमें इंडिया के किसी भी यदि कोने से आप हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मेल फीमेल बोथ इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। मेल और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों लोग यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल सर्विस यानी कि GS के लिए, जिसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर जिसके लिए 50 वैकेंसी आई हैं, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों लोग एलिजिबल हैं। और क्वालिफिकेशन अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर BE यानी कि BTEC होनी चाहिए आपके पास, एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क के साथ आप लोगों ने जो है BTEC कर रखा हो। जिसके लिए यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर 2/1/1999 से 1/7/2007 के बीच यदि आप लोगों का जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पर एज लिमिट के अकॉर्डिंग और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसी नेक्स्ट दी हुई है तो यहाँ पर वो क्या होने वाली है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC की बात की जाए, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों लोग एलिजिबल हैं। इसके यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। इसमें यहाँ पर बता दूँगा आप लोगों को BE या BTEC होना चाहिए आप लोगों को पास किसी भी स्ट्रीम में, और जिसमें कि आप लोगों के 60% मार्क होने चाहिए, और जो 10th और 12th में आप लोगों के जो है यहाँ पर 60% मार्क होने चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोगों के 10th और 12th में जो है 60% मार्क होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इसकी यदि एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो यहाँ पर 2/1/1999 से लेकर 1/7/2004 के बीच यदि आप लोगों की एज है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए, तो जिसके लिए यहाँ पर 20 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, मेन और वुमेन दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। BE या BTEC आप लोगों के पास होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके जो 60% मार्क्स साथ आप लोगों ने जो है BE या BTEC कंप्लीट की, उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th और 12th में आप लोगों के पास यहाँ पर 60% मार्क होने चाहिए, और खासकर इंग्लिश की बात की जाए तो जिसमें आप लोगों के जो है 10th और 12th में 60% जो है नंबर आए होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पायलट की बात की जाए तो पायलट के लिए यहाँ पर जो है 25 पोस्टें आई हुई हैं, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, और BE BTEC इसके लिए भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, 60% मार्क होने चाहिए। एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कैंडिडेट मस्ट हैव 60% मार्क इन क्लास 10th और 12th में जो है 60% नंबर इन इंग्लिश के अंदर भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके लॉजिस्टिक्स को लेकर, तो जिसके लिए यहाँ पर 30 वैकेंसी आई हैं, मेल फीमेल दोनों लिए इसके लिए भी एलिजिबल हैं, और इसके लिए यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए पायलट के लिए तो यहाँ पर 2/1/2000 से लेकर और 1/1/2005 के बीच आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए
लॉजिस्टिक्स के लिए, तो जिसके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 2/1/1999 से 1/7/2004 के बीच है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर जो दिख रहा होगा आप लोगों को नेवी एसएससी ऑफिसर एजुकेशन ब्रांच January 2024 वैकेंसी डिटेल, यहाँ पर 2024 के लिए जो है यहाँ पर बैच आया है, इसी के लिए फॉर्म जो है आप अप्लाई करेंगे, जिसकी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो यहाँ पर 29/4/2023 है, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए, तो आप लोग भी जाइए यहाँ पर इसके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए नेवी एसएससी ऑफिसर के लिए, तो जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पर जो है एमएससी विथ 60% मार्क, मैथ ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स इन बीएससी, आप लोगों के पास पीएससी होनी चाहिए, इन बीएससी में आप लोगों के पास यहाँ मैथ होना चाहिए, जिसके लिए एज लिमिट की बात की जाए तो 2/1/1999 से 1/1/2003 के बीच यदि आप लोगों की एज लिमिट है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। जिसके लिए यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पोस्टों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए एमएससी विथ 60% मार्क फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ इन बीएससी आप लोगों के पास होनी चाहिए मैथ में, जिसके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर केमिस्ट्री की बात की जाए तो जिसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पर 1 वैकेंसी आई है, जिसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 2/1/1999 से 1/1/2003 के बीच यदि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर आप लोगों के पास बी या बी टेक होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो जिसके लिए भी यहाँ पर जो है 2 पोस्टें होने वाली हैं। इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल विथ 60% मार्क के साथ आप लोगों ने जो है यहाँ पर पास आउट किया। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर 2/1/1999 से 1/1/2003 के बीच यदि आप लोगों की एज लिमिट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए बी या बी टेक की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विथ 60% मार्क, जिसके लिए यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2/1/1999 से 1/1/2003 के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी आई हुई हैं। ये नेवी एजुकेशनल ब्रांच के लिए यहाँ पर खासकर वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एम टेक की बात की जाए इन डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% के मार्क, और जिसके बारे में यदि बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो जिसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो 2/1/1997 से 1/1/2003 के बीच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके यदि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए इंडियन नेवी टेक्निकल ब्रांच के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन और क्या जो है किस किस कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो अगर टेक्निकल ब्रांच की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर जनरल सर्विस यानी कि जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 20 है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है, और जिसमें आप लोगों के पास बीई या बीटेक होनी चाहिए, डिग्री 60% मार्क, और जिसमें कि आप लोगों ने जो है डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, जैसे एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स और मैकेनिकल विथ ऑटोमोबाइल, यदि लिए इन ब्रांच में यदि आप लोगों ने जो है डिग्री कर रखी है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके यदि एज लिमिट की बात की जाए तो 2/1/1999 से 1/7/2004 के बीच यदि आप लोगों की उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो जिसके लिए यहाँ पर 60 वैकेंसी हैं, मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है, और बी या बी टेक जैसी आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए, इन डिग्री होनी चाहिए आप लोगों का इन 60% मार्क इन डिग्री में, कौन कौन सी ब्रांच होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और जिसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 2/1/1999 से 1/7/2004 के बीच यदि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल, इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से निकल कर आई है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है टेक्निकल और एजुकेशनल ब्रांच के लिए खासतौर कर जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये सारी जानकारी है, जानकारी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।